हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उससे संबंधित न्यूमेरिकल कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे किसी भी रिएक्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, जिसे मेंशन किया गया है आरहेनियस इक्वेशन से। आरहेनियस इक्वेशन से पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि यदि हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले देखना, जब भी वो रिएक्शन कंप्लीट होती है तो हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन थ्योरी दो नॉर्मल से जिक्र करता हूँ मैं, समझने के लिए कि ये कोई रिएक्शन का डायग्राम है। कोई रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो रिएक्शन होगी कैसे, रिएक्शन होगी कि दोनों मॉलिक्यूल हैं वो आपस में आएंगे, कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके किस में चेंज होंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे। जब कोलाइड करेंगे ये आपस में, जब ये आपस में कोलिजन करेंगे, तो इनको कोलिजन करने के लिए जब प्रोडक्ट में चेंज होगा तो एक मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है। ए और बी जैसे है कोलिजन करेंगे, कोलिजन करके जब प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो इस कोऑर्डिनेशन से चलेंगे। ठीक है, तो इन्हें एक मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब ये अपनी रिएक्टेंट की एनर्जी है आर और ये प्रोडक्ट है ए प्लस बी, जब कोलाइड करेंगे आपस में, कोलाइड करके प्रोडक्ट में चेंज होंगे, तो जब आपस में कोलाइड करेंगे तो इनके पास एक मिनिमम एनर्जी हो जानी चाहिए, जिससे कि प्रोडक्ट में उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कहते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी भी रिएक्शन का तो क्या होगा, कोलिजन बढ़ेंगे क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे, तो क्या होगा, एक पहले से तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो रही है, दूसरी इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इनको आसानी से क्या मिल जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पहला तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये आप मान के चलिए, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये थ्योरी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे दो थ्योरी आएगी अपनी, कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जो दोनों डिफरेंट बातें करती है। मैंने एक जनरल आइडिया दिया आपको यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताने के लिए कि दो तरीके से, या तो कोलिजन करी और कोलिजन करके एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले, दोनों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन भी बढ़ते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी इजीली मिल जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती ही होती है। मान लिया कि पहले टेम्परेचर टी था, उसके बाद मैंने टी प्लस डेल टी कर दिया, टेम्परेचर डेल टी इंक्रीज कर दिया, तो रेट कॉन्स्टेंट मान लिया पहले यहाँ पे के टी था, उसके बाद क्या हो गया, के टी प्लस डेल टी हो गया। पहले टेम्परेचर टी था, मैंने डेल टी इंक्रीज करके टी प्लस डेल टी कर दिया, तो रेट कॉन्स्टेंट के टी से के टी प्लस डेल टी हो गया। तो इन दोनों का जो रेशियो दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, के टी प्लस डेल टी अपॉन के टी दिया जाता है, टी सी डेल टी अपॉन टेन। टी सी क्या है, टेम्परेचर कोफिशियंट, टी सी क्या टेम्परेचर। यदि हमें डेल्टी इंक्रीज करता हूँ तो दोनों का रेशियो किसे दिया जाएगा, टेम्परेचर कोफिशियंट की पावर डेल्टी अपॉन टेन। और डेल्टी यदि मैं क्या कर दूँ, 10 डिग्री सेल्सियस कर दूँ या 10 केल्विन कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, के टी प्लस टेन अपॉन के टी इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशियंट 10 अपॉन 10। तो यहाँ से टेम्परेचर कोफिशियंट क्या आ गया, के टी प्लस टेन अपॉन के टी, ये है टेम्परेचर कोफिशियंट। तो टेम्परेचर कोफिशियंट याद रखना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो रेट कॉन्स्टेंट बढ़ता है, जिसका रेशियो किससे दिया जाता है, के यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, के टू अपॉन के वन इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशियंट डेल टी अपॉन टी। यदि मैं 10 डिग्री टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बाय 10 डिग्री, देन चेंज इन द रेट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशियंट। इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो क्या लिखूंगा, देखना, If we increase the temperature by 10 degree Celsius या 10 Kelvin, एक ही बात है 10 से इंक्रीज करें, then ratio of rate constant is
कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशियंट। टेम्परेचर कोफिशियंट तो रेशियो क्या कहलाएगा? टेम्परेचर कोफिशियंट कहलाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशियंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना? टेम्परेचर कोफिशियंट हो जाएगा TC इज इक्वल टू टी सॉरी के टी प्लस 10 अपॉन के टी 10 डिग्री बनाने पर। वैसे फॉर्मूला क्या था? के टी प्लस डेल टी अपॉन के टी इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशियंट डेल टी अपॉन 10, ठीक है। यह है टेम्परेचर कोफिशियंट। जैसे क्वेश्चन आप इसकी वैल्यू मोस्टली कितनी होती है? बिटवीन 2 to 3। टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू होती है बिटवीन 2 to 3 के बीच में होती है, 2 to 3 के बीच में होती है। तो यदि मैं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूँ तो अपनी अप्रोक्सीमेट रेट 2 to 3 गुना बढ़ती है। पेपर में आपको टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू दी हुई आएगी, यदि नहीं दी हुई आए तो ऑलवेज आपको कितना मानना है? 2 मानना है। यदि पेपर में नहीं दिया है तो टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू कितनी माननी है? 2 माननी है। दी हुई आए तो उसी हिसाब से आपको इंक्रीज करना है। जैसे क्वेश्चन आपके पास आए रेट ऑफ रिएक्शन एट 300 केल्विन इज 5 × 10⁻³ मोल सेकंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन एट 320 केल्विन विल बी, पहला 15 × 10⁻³, दूसरा 20 × 10⁻³, तीसरा 5 × 10⁻³, चौथा 10 × 10⁻³। आपको दिया रेट ऑफ रिएक्शन 300 केल्विन पे 5 × 10⁻³ मोलर मोल सेकंड इनवर्स है। रेट ऑफ रिएक्शन एट 320 केल्विन विल बी, 320 केल्विन पे कितनी होगी आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो अब आप देखोगे, पहले देखोगे भी टेम्परेचर दिया है और तो कुछ दिया ही नहीं। आर एनर्जी क्वेश्चन में पढ़ी ली हालांकि, लेकिन ना तो एक्टिवेशन एनर्जी ने कुछ छोड़ दी, तो ऐसे कैसे निकालेंगे? तो आपको जब भी रेट कांस्टेंट दे रखा है या रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, तो ऑलवेज क्या लगाओ? टेम्परेचर कोफिशिएंट। यदि एक्टिवेशन एनर्जी आपको नहीं दी है, एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा तो हम आगे बात करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी कुछ नहीं दी तो आपको करना है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया तो आपको कितना मानना है? टीसी आपको मानना है 2 मानना तो कितना हो जाएगा? 5 × 10 = 15 गलत हो जाएगा। देखना कैसे करोगे, हर 10 डिग्री बढ़ाने पे 2 गुना टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 का मतलब क्या है? हर 10 डिग्री बढ़ाने पे 2 गुना हो जाएगी, यानी कि ये मैं 300 से 310 जाता हूँ तो रेट क्या हो जाएगी? 5 × 10⁻³ से क्या हो जाएगी? 10 × 10⁻³। 300 से 310 गया तो रेट क्या होगी? डबल। टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 माने इसका मतलब 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट क्या होगी? डबल हो गई। फिर 300 से 320 गया तो इसकी डबल 20 × 10⁻³, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। यह है टेम्परेचर कोफिशिएंट 2। यदि मैं इसी में आगे आपको बोल देता इफ इज इक्वल टू 3 तो आपका आंसर क्या हो जाता? इस बार आपको 3 दिया है तो 300 से 310 जाने पे क्या हो गया? 3 × 15 × 10⁻³, ये 3 गुना हो गया। और 310 से 320 जाने पे इसका 3 गुना आंसर क्या आता? ये यदि टेम्परेचर कोफिशिएंट मेंशन कर दिया तो आपको उसी हिसाब से चलना है, नहीं मेंशन किया तो ऑलवेज 2 मान के आंसर आपको करना है। ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नॉर्मली। अब देखना, हमने यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की बात की तो एक्टिवेशन एनर्जी काम आएगी। तो आरेनियस ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया, आरेनियस ने बताया कि कोई रिएक्शन जिसका टेम्परेचर क्या है? टी है, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए है, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा के इज इक्वल टू ए इक्की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यह आरेश ने दिया कि किसी भी रिएक्शन के लिए जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ई ए है और टेम्परेचर टी है, उसके लिए रेट कांस्टेंट निकाला जाएगा के इज इक्वल टू ए इक्की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। के क्या है? रेट कांस्टेंट। ए होता है प्री एक्सपोनेंशियल
फैक्टर, ई ए एक्सपोनेंशियल है, ई और ई ए क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, यहां पे के क्या है रेट कॉन्स्टेंट, ए को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। याद रखना इसे आरेनियस फैक्टर नहीं बोलते या हारेनियस नहीं आरेनियस कॉन्स्टेंट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट। ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, और ए और ई ए दोनों को हम क्या बोलते हैं आरेनियस पैरामीटर, दोनों को क्या बोलते हैं हम आरेनियस पैरामीटर, ठीक है। तो के क्या है रेट कॉन्स्टेंट, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई एक्टिवेशन एनर्जी, टी टेम्परेचर ही, आर क्या है आर गैस कॉन्स्टेंट, आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स या 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आपको कैलोरी में पूछे तो 2, जूल में पूछे तो 8.314, ये है गैस कॉन्स्टेंट, ए ये है आरएनएस पैरामीटर, ये है। अब देखना यहाँ से ई ए की यूनिट क्या है, ई ए अपॉन आर टी, ई ए की यूनिट क्या है जूल मोल इनवर्स, आर की यूनिट क्या है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टेम्परेचर की क्या है केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल, ई अपॉन आर क्या है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस है इसका कोई डायमेंशन, ये इस यूनिट की कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो ई ए अपॉन यहाँ पे देखना k इज इक्वल टू ए ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये डायमेंशन लेस हो गया, तो ये सारा का सारा क्या हो गया डायमेंशन लेस हो गया ना। वैसे भी होता है यदि हम किसी की पावर करते तो वो डायमेंशन एक नंबर बन जाती, तो k क्या आ जाएगा यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ k, के की यूनिट ए की यूनिट के बराबर आएगी, जैसे फर्स्ट ऑर्डर यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ए की यूनिट क्या आ जाएगी सेकंड इनवर्स, तो ए की यूनिट वही होगी जो के की यूनिट होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है सेकंड इनवर्स, तो ए की यूनिट भी क्या आएगी सेकंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है मोल सेकंड इनवर्स, मोलर सेकंड इनवर्स, तो इसकी भी क्या आएगी मोलर सेकंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है मोलर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये भी क्या आएगा मोलर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो एक यूनिट वही होगी जो के की होगी, और ये राशि क्या होती है डायमेंशन लेस होती है। अब देखना डायमेंशन लेस के लिए टेम्परेचर है, तो ई अपॉन आर भी क्या होगा, ई अपॉन आर की यूनिट क्या होगी केल्विन, ठीक है। ई अपॉन आर की यूनिट क्या होगी केल्विन, जूल मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो केल्विन, केल्विन से केल्विन कटेगा, तो ये किसके रिजेंबल है डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। ई अपॉन आर क्या है डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर है जिसकी केल्विन रखी जाती है, ठीक है। ये अपनी आरएनएस इक्वेशन है जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताती है रेट कॉन्स्टेंट पे, जिससे इक्वेशन हम रखते हैं, ठीक है। अब देखना इसके कुछ फॉर्म और इसके कुछ ग्राफ, यह तो इसकी एक इक्वेशन है। यदि मैं इसकी दूसरी इक्वेशन लूँ तो वो देखना कैसे बनेगी। यदि मैं दोनों तरफ ln ले लूँ तो क्या हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a ln e की पावर ln माइनस ई अपॉन आर टी, ln e वन तो माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये दूसरी फॉर्म है इसकी। और तीसरी फॉर्म क्या log ले लूँ तो क्या होगा log k इज इक्वल टू, यहां पे चेंज करूंगा इसे देखना, log में चेंज करूंगा तो ये क्या होगा 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही होगा ना। तो यहां से इसे क्या करूंगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी लिख सकता हूं, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई अपॉन। तो ये आपको तीनों इक्वेशन याद रखनी है, k इज इक्वल टू a की पावर माइनस ई आर टी, ln के फॉर्म में दे तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, और log के फॉर्म में दे तो 2.303 और आ जाएगा आपको पेपर में आएगा। इसका ग्राफ देखना कैसे बनाएंगे,
पहले यदि मैं के वर्सेज टी के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, के वर्सेज टी के बीच में ग्राफ बनाता हूँ इससे, के वर्सेज टी के, तो के वर्सेज टी के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो देखना ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा, ये तो तय है। ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा, और अपने को पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग। ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, के वर्सेज टी का। इसका ग्राफ बनाऊं मैं एलन के वर्सेज वन अपॉन टी का, तो देखना एलन के को क्या मान लिया मैंने, वाई, तो ये क्या आ जाएगा, एलन के इज इक्वल टू एलन ए माइनस ई ए अपॉन आर वन अपॉन टी, इसके बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो ये वाई, ये सी माइनस एम एक्स, ऐसा ग्राफ हो गया। तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। तो एलन के वर्सेज वन अपॉन टी का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव, और स्लोप क्या हो जाएगा इसका, ई ए अपॉन आर, ध्यान रखना स्लोप आएगा ई ए अपॉन आर। तो आपको पेपर में पूछे कि ये ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एलन के वर्सेज वन अपॉन टी, द स्लोप इज दैट, फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी, तो आपको स्लोप क्या बनना है, ई ए अपॉन आर। और एक ग्राफ मैं और बनाऊं, वो बनाऊं मैं लॉग के वर्सेज वन अपॉन टी, लॉग के वर्सेज अपॉन टी, तो ग्राफ तो सेम ही आएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, 2.33 अपॉन आर चेरी ई ए अपॉन, स्लोप क्या हो जाएगा इस बार, ई ए अपॉन 2.303 आर। यहाँ पे देखना नेगेटिव साइन नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मैंने नेगेटिव डायरेक्शन दिखा दी। आपको यहाँ से पूछे कि स्लोप क्या होगा, तो क्या होगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। यहाँ से पूछे आपको स्लोप क्या होगा, तो आपका होगा माइनस ई ए अपॉन आर, ठीक है। तो तीनों के ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा आएगा, के वर्सेज टी का ग्राफ पूछे अरेंज इक्वेशन से, तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, एलन के वर्सेज वन अपॉन टी का पूछे तो स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग विद स्लोप ई अपॉन आर, लॉग के वर्सेज वन अपॉन टी का पूछे तो स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग विद स्लोप ई अपॉन 2.303 आर। ये तीनों इसके ग्राफ के क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखना कैसे आते हैं, आपके पास तीन इक्वेशन है, तीनों से तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछे हुए हैं, तीनों का डिस्कस करते हैं अपन। देखना पहली इक्वेशन आपके पास थी k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही थी ना। आपसे पूछा है जून 2012 में, आपको इक्वेशन दी है k इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10^11 ई की पावर माइनस 50। दूसरा आपसे इक्वेशन थी ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, आपको पूछा है गेट 2017 में, ln k इज इक्वल टू माइनस 5000 k अपॉन टी प्लस 10। और एक इक्वेशन आपकी है log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, आपसे पूछा है गेट 2010 में log k इज इक्वल टू 5.0 माइनस 12000 अपॉन टी, ठीक है। देखना तीन इक्वेशन है, आपसे तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसी इक्वेशन देख के आपसे पूछे कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, तो जून 2012 में पूछा था आपको, इक्वेशन देख के एक्टिवेशन एनर्जी पूछी थी, तो k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी की फॉर्म में पूछे, तो आप इससे कंपेयर कर दो, k की जगह k, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.4 इंटू 10^11। यदि इस इक्वेशन से आपको a की वैल्यू पूछे तो कितनी आएगी, इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो, देख लो किसकी फॉर्म में, k की फॉर्म में दिए तो k वाली इक्वेशन देखो, ln k की फॉर्म में दिए तो ln k वाली इक्वेशन लिखो, log k की फॉर्म में दिए तो log k वाली इक्वेशन लिखो। आपको k वाली इक्वेशन दी थी जून 2012 में, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी थी, तो k a की वैल्यू पूछे तो ये आ जाएगी। अब देखना e की पावर माइनस, तो माइनस ई ए अपॉन आर टी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 50 है ना, तो ये सी ए कैंसिल, ये सी ए कैंसिल। टेम्परेचर आपको दे रखा था रूम टेम्परेचर,
टेम्परेचर आपको दे रखा था 300 केल्विन, तो यहाँ से ई ए कितना आ जाएगा 50 इंटू आर इंटू 300, आर की वैल्यू रख दो 8.314 इंटू 300, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप इस इक्वेशन से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो, किससे कंपेयर करके, इससे कंपेयर करके। ऐसे गेट 2017 में आपको ये इक्वेशन दी थी और आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछी थी एट 300 केल्विन, ठीक है। तो एल एन के फॉर्म में दिए, तो आप एल एन ए से कैसे कंपेयर करना, एल एन के इक्वेशन क्या, एल एन ए माइनस ए अपॉन आर टी। अब देखना कंपेयर कैसे करोगे, एल एन के से एल एन के, ये टर्म किसके कंपेयर में आएगी टी वाले टर्म के, इसके कंपेयर में, और ये किसके कंपेयर में आएगी इसके कंपेयर में। तो एल एन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी ई की पावर 10, ए की वैल्यू पूछे तो ई की पावर 10। देखो ये इसके कंपेयर में आएगी, ये इसके कंपेयर में आएगी। अब आपके पास क्या है, ये अपॉन आर टी, माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर दूं, 5000 के अपॉन टी। यहां कई लोग के में कंफ्यूजन हो गए, के कोई डिजिट नहीं है कि यहां पे कोई के कोई कांस्टेंट है, ये के क्या है यूनिट किसकी, ई ए अपॉन आर की। मैंने ई ए अपॉन आर की यूनिट आपको बताई थी क्या है केल्विन, तो ये यूनिट है। तो यहां से टी कैंसिल, ई ए अपॉन आर क्या आ गया आपका 5000, तो ई ए क्या आ जाएगा 5000 गुणा आर, समझ रहे हो। यहां के में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कई बार आपको ऐसे दे तो ये के क्या है यूनिट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए वो के बी लिखेगा या फिर आपको मेंशन करेगा, जबकि यहां पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट का कोई काम ही नहीं है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। 5000 के क्या है ई ए अपॉन आर की यूनिट, ई ए अपॉन आर की यूनिट हमने देखा था किसकी यूनिट के एग्जांपल होती है टेम्परेचर की। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां से, यहां से निकालना हो तो लॉग के फॉर्म में दिए तो आप लॉग के वाली इक्वेशन लिखो, तो यहां से लॉग ए इक्वल टू क्या आ जाएगा लॉग के इक्वल टू लॉग के, ये टी वाली यूनिट टी के साथ रहेगी, तो ये और ये रिजेंबल होगी। तो लॉग ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 5.0, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 to power 5, लॉग ए इक्वल टू 5.0 तो ए की वैल्यू, लॉग इधर जाएगा तो 10 आएगा, एल एन इधर आएगा तो ई आएगा, तो 10 to power 5। अब देखना 12000 अपॉन टी किसके बराबर आ जाएगा, ई ए अपॉन 2.303 आर टी, टी से टी कैंसिल, तो ई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 12000 गुणा 2.303 इंटू 8.314। तो लोग पेपर में बस ये जरूर देख लेना एल एन के लिखा है या लोग के लिखा है, उसी इक्वेशन से पुट करना। कई बार अपन लोग के लिखते हैं और एल एन के वाली इक्वेशन से ये भूल जाते हैं और अपना क्वेश्चन आते हुए भी क्या हो जाता है गलत हो जाता है, ठीक है। ये हमने तीन फीचर्स पढ़ लिए इसके कि ऐसी इक्वेशन से कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब देखना दो बातें और करते हैं, टेम्परेचर की और एक्टिवेशन एनर्जी की, टेम्परेचर की और एक्टिवेशन एनर्जी की। देखना आपकी इक्वेशन है के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना, एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर मतलब टी टेंस टू क्या हो जाए इनफाइनाइट हो जाए। यदि मैं टेम्परेचर बहुत हाई कर दूं तो ये जो टर्म है ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, टी इनफाइनाइट कर दूं तो 1/∞ कितना होता है 0, तो ये टर्म लगभग रिजेंबल हो जाएगी 0 के, तो के ए ई की पावर माइनस 0 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा के इज इक्वल टू ए ई की पावर 0 अपॉन में जाके ई की पावर 0, और ई की पावर 0 अपने को पता है एक्स की पावर 0 में जा किसी के ऊपर भी 0 पावर लगाई वैल्यू क्या आती है 1, तो ये 1 हो जाएगा, के बराबर क्या आ जाएगा ए, एट वेरी हाई टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो के किसके बराबर आ जाएगा ए के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके देखना किस में आया था, जून 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था आपको कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपका है 1.6 इंटू 10 to power 12 सेकेंड इनवर्स इफ टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई देन रेट कॉन्स्टेंट विल बी। तो आपको दे दिया टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई है, एक्सट्रीमली हाई है मतलब इनफाइनाइट है,
और इनफाइनाइट की कंडीशन में रेट कॉन्स्टेंट किसके बराबर जाता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के। तो के की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1.6 इंटू 10 टू पावर 12 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आपका जून 2017 का क्वेश्चन है। एक्सट्रीमली हाई की बात करें तो अब देखना दूसरी चीज, एक्टिवेशन एनर्जी जो ई ए है वो पॉजिटिव होती है और जीरो हो सकती है, नेवर बी नेगेटिव। एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी वैसे या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, मिनिमम जीरो हो सकती है वरना पॉजिटिव रहेगी। एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। अब देखना नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, अपने पास इक्वेशन है k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। एलन के क्या आया था, एलन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। यदि मैं टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या आ जाएगा, डी एलन के अपॉन डी टी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन रेट कॉन्स्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसका क्या होगा, जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट है। तो डी अपॉन डी टी माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई अपॉन बार कॉमन आ जाएगा, टी का वन अपॉन टी का माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। तो डी एल एन के अपॉन डी टी क्या होता है, ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी याद रखना, डी एल एन के अपॉन डी टी होता है ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। अब देखना यदि एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा, कम होगा। जो पॉसिबल, जो क्या पॉसिबल है, नहीं है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कॉन्स्टेंट कभी कम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए ई ए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ई ए नेवर बी नेगेटिव, ई ए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और ये क्वेश्चन भी याद रखना, डी एल एन के अपॉन डी टी इक्वल टू होता है ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक है, ये हालांकि हम आगे भी कर लेंगे फिर से। तो अभी मैं जो बताना चाह रहा था वो क्या है, ई ए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव रहेगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पे पॉजिटिव होगा। तो टेम्परेचर यदि इंक्रीज करूंगा तो के भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि मैं जीरो मान लूं, यदि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो मान लूं तो फिर से वही आ जाएगा, के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस जीरो, के इज इक्वल टू ए, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यदि वेरी हाई टेम्परेचर कर दूं तो भी के किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। और यदि मैं एक्टिवेशन एनर्जी जीरो कर दूं तो भी इफेक्ट क्या आ जाएगा, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, के किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। यदि एक्टिवेशन एनर्जी आपकी जीरो कर दी तो के और ए क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होगा वही क्या होगा, रेट कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, अब देखना दो इक्वेशन और, एट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर। देखना मान लिया टेम्परेचर T1 पे रेट कॉन्स्टेंट क्या है, K1 है, और T2 पे रेट कॉन्स्टेंट क्या है, K2 है। तो क्या लिखा जाएगा, K1 इज इक्वल टू A e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी वन। यदि T1 पे मैं K1 मान लूँ, T2 पे K2 मान लूँ, तो K1 इज इक्वल टू A e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी वन, और K2 कितना आ जाएगा, A e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी टू आ जाएगा। अब देखना दोनों तरफ क्या कर लूँ, मैं कंपेयर कर लूँ, K2 अपॉन K1 कर दूँ तो क्या आ जाएगा, A से A कैंसिल, A e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी टू अपॉन A e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, ऐसे कैंसिल। तो K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके पॉजिटिव, तो e की पावर ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू लिख सकता हूँ इसे, ऊपर जाके पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में ऐड हो जाएंगे। एलन ले लूँगा तो एलन K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू,
या फिर यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू। तो यदि आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं, यदि दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, तो आप रेट कॉन्स्टेंट की कंपेयर कर सकते हो, कर सकते हो कि रेट कॉन्स्टेंट क्या होंगे। और आपको दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं और रेट कॉन्स्टेंट दे रखे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी पूछे तो कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं, रेट कॉन्स्टेंट दे रखे हैं और एक्टिवेशन एनर्जी पूछे तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। दो डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं तो उससे फॉर्मूला क्या आएगा, एल एन के टू अपन के वन इज इक्वल टू ई अपन आर टी टू माइनस टी वन अपन टी वन टी टू। टेम्परेचर हमेशा याद रखना फिजिकल केमिस्ट्री में किस में रखा जाएगा, केल्विन में। दूसरा देखना, डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी, यदि ई ए एक्टिवेशन एनर्जी पे रेट कॉन्स्टेंट के वन है और ई ए टू पे क्या है के टू है। आपको दे दिया कि ई ए वन एक्टिवेशन एनर्जी तब तो रेट कॉन्स्टेंट के वन है, ई ए टू है तो के टू है, तो क्या लिखा जाएगा, के वन इज इक्वल टू ए ई की पावर ई ए वन अपॉन आर टी, टेम्परेचर इस बार सेम है, और के टू इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए टू अपॉन आर टी। वही रेशियो ले लेंगे, के टू अपॉन के वन, ए से ए कैंसिल, ई की पावर माइनस ई ए टू अपॉन आर टी अपॉन ई की पावर माइनस ई ए वन अपॉन आर टी। ये ऊपर जाके पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, तो के टू अपॉन के वन क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस ई ए, ई की पावर ई ए वन अपॉन आर टी, ऊपर जाके पॉजिटिव माइनस ई ए वन ई ए टू अपॉन आर टी, यही हो जाएगा। ये तो जब एल एन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए वन माइनस ई ए टू अपॉन आर टी। ठीक है, यदि टेम्परेचर डिफरेंस हो तो एल एन के टू अपॉन के वन दिया जाएगा ई ए अपॉन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू। और एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंस हो तो क्या दिया जाएगा, एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए वन माइनस ई ए टू अपॉन आर टी। तो यहां से अपन रेट कॉन्स्टेंट से टेम्परेचर निकाल सकते हैं, यहां पे टेम्परेचर रेट कॉन्स्टेंट हो तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। इस पे लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड रहती है, कुछ क्वेश्चंस देखना कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें नेट से आए हुए हैं, नेट पे इन सब फॉर्मूलों में, नेट और गेट में और आई आई टी जेम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो समझ में आ गए कैसे फॉर्मूले निकालने हैं, आपके पास दो फॉर्मूले होंगे, कौन से, एक तो आपके पास होगा एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू, एक्टिवेशन एनर्जी सेम है तो टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू, और एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंस है तो एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए वन माइनस ई ए टू अपॉन आर टी। देखना इससे क्वेश्चन देखना कैसे आए हैं, गेट 2002 में पूछा आपसे, गेट 2002 में क्या कि H2O2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एट रूम टेम्परेचर, देन EA इज 76 किलो जूल पर मोल। यदि रूम टेम्परेचर पे EA का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो 76 किलो जूल मोल इनवर्स है। इफ वी एड सम कैटलिस्ट देन EA बिकम 57 किलो जूल पर मोल, 57 किलो जूल पर मोल हो जाता है। रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट विल बी, रेशियो क्या होगा, देखना ये आपका गेट 2002 का क्वेश्चन, गेट 2002 का क्वेश्चन, आपको डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 दे रखा है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी 76 किलो जूल मोल इनवर्स है। यदि हम कुछ कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी 57 किलो जूल मोल इनवर्स हो जाती है, तो जो रेट कॉन्स्टेंट है उनके रेशियो क्या होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी यदि डिफरेंट डिफरेंट है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला,
तो एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए वन, आपको रेट कॉन्स्टेंट के टू अपॉन के वन, ई ए वन कितना है 76 किलो जूल, तो जूल में कितना हो जाएगा 76,000 माइनस 57,000 अपॉन आर, 8.314। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो 298। एलन को किस में चेंज कर लो, लॉग में चेंज कर लो, या फिर एलन, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 लॉग के वन अपॉन के टू इज इक्वल टू 19,000 अपॉन 8.314 गुणा 298। ये इधर जाएगा, इसे सल्व करोगे तो लॉग के वन अपॉन के टू की वैल्यू आएगी 3.32, इसे सल्व करोगे तो 3.32। ये इधर जाएगा तो के वन अपॉन के टू अपॉन के वन, के टू अपॉन के वन क्या आ जाएगा 10^3.32। इसे क्या लिखूंगा 10^3 इंटू 10^0.32, 10^0.3 की वैल्यू होती है 2, तो ये हो जाएगा 2 × 10^3 अप्रोक्सीमेट 2000। तो रेशियो क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 2000। ये गेट 2002 का है, जब आपको डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी दी है और आपसे पूछा क्या है, रेशियो पूछा है। आप देखना दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है ना, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 25% इन 30 मिनट एट 227 डिग्री सेल्सियस एंड कंप्लीट इन 10 मिनट एट 237 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी विल बी, यदि आर आपको दे रखा है 2 कैलोरी मोलर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये देखिए दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 25% इन 30 मिनट एट 227 डिग्री सेल्सियस, 227 डिग्री सेल्सियस पे पूछ, एंड कंप्लीट 10 मिनट एंड 237 डिग्री, दो डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं, पूछा क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये दो डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं और एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला। अब यहाँ पे आपको रेट कॉन्स्टेंट तो दे ही नहीं रखे, रेट कॉन्स्टेंट तो दे ही नहीं रखे, तो क्या करोगे, यदि रेट कॉन्स्टेंट नहीं दे रखे हैं तो क्या करोगे, देखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने को पता है के क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए टी, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है ना, 1/t, और आपको देखने से भी समझ में आ जाएगा 25% पहले तो 30 मिनट में कंप्लीट हो रही है और बाद में 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो यदि टाइम कम लग रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, टाइम कम लग रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, तो के टू अपॉन के वन कितना हो जाएगा टी वन अपॉन टी टू। टी वन कितना है 30, बाद में 10, ये कितना हो जाएगा 3। समझ में आया, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है तो ये होता है, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t आता है, पहले 30 मिनट में कंप्लीट हो रहा था बाद में 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो के टू अपॉन के वन इससे क्या आ जाएगा टी वन अपॉन टी टू। पहले 30 मिनट में कंप्लीट हो रहा था फिर 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो के टू अपॉन के वन कितना आ जाएगा 3। अब आपके पास के टू अपॉन के वन आ गया, टेम्परेचर आपके पास है, एक्टिवेशन एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, कर लोगे, ये समझ में आया ना कैसे किया, और ये देखो समझ में भी आ रहा है, पहले 30 मिनट में कंप्लीट हो रही थी फिर 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो टाइम यदि 3 गुना कम हो रहा है तो रेट क्या बढ़ रही है 3 गुना ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब के टू अपॉन के वन क्या जाएगा 3 गुना, तो एल एन 3 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी टू, टी टू कितना है 237, 510 माइनस 500, ये वैल्यू मत रख देना सेंटीग्रेड में, रखती सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमेशा केल्विन में रखनी है, इसे सॉल्व कर लेना, ईए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, जो आएगी वही आंसर होगा, और इसका आंसर आपका आएगा 55 किलो कैलोरी पर मोल, आर की वैल्यू यहां पे 2 रख देना, इजी रहेगा क्योंकि कैलोरी में आपसे आंसर पूछा
है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, जून 2016 का क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 का। आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी थी 49.8 किलो जूल पर मोल, और आपसे पूछा क्या है, के 600 अपॉन के 300 पूछा था। एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी थी के 600 अपॉन के 300 आपसे पूछा था कितना होगा। तो यदि एक्टिवेशन एनर्जी देके दो रेट कांस्टेंट पूछे, के 600 का मतलब क्या है, 600 केल्विन, 300 का मतलब क्या है, 300 केल्विन आपसे पूछे, तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। 300 से 600 पूछे, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी, तो फॉर्मूला कैसे लगाओ, के वन अपॉन के टू आपसे पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, टेम्परेचर आपको दे रखे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, के टू अपॉन के वन पूछा, तो आप लगा लोगे एल एन के 600 बटा के 300 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी 49,800 बटा 8.314, 600 माइनस 300 बटा 600 इंटू 300। सॉल्व कर लेना इसे, देखना एल एन के 600 बटा के 300 इज इक्वल टू 49,000 अपॉन 8.314 इंटू, ये 300 से 300 कैंसिल, 1 अपॉन 600, इसे सॉल्व करोगे 8 से 48, 6 के बाद 6,000 आएगा, 10 आ जाएगा, 10। ये हमने पढ़ लिया, टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो कैसे रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, और एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज करेंगे तो कैसे रेट का कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, और कैसे उससे क्वेश्चन आते हैं। अब देखना आगे के फीचर्स, ये नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, और आईआईटी जेईई में भी इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फीचर्स अपन ने इक्वेशन देखी, के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसका मतलब देखना, जब ई ए ज़्यादा होगा तो के क्या होगा, कम होगा, देखना यही होगा ना, ई ए की वैल्यू बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, तो ई की पावर ई ए अपॉन आर टी बढ़ेगा। यदि ई ए की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और वे ये वैल्यू इंक्रीज होगी, के क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, समझ में आ रहा है। ई ए जितना ज्यादा होगा के कितना, उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो यहां से फर्स्ट स्टेटमेंट देखना, इफ वैल्यू ऑफ ई ए इंक्रीज देन रेट कॉन्स्टेंट डिक्रीज, रेट कॉन्स्टेंट डिक्रीज फॉर हायर एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कॉन्स्टेंट विल बी लो। पहला स्टेटमेंट देखना इससे, कि यदि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यदि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और हायर ई ए के लिए रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा, कम होगा। जिसके आपके पास दो रेट कॉन्स्टेंट है, के वन और के टू, है ना, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ई ए वन है और इसकी ई ए टू है, और आपको दे रखा है ई ए टू ज़्यादा है ई ए वन से, एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे की पहले से ज़्यादा है, तो हमेशा के टू क्या होगा, कम होगा के वन से। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसका रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा, कम होगा हमेशा, ठीक है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसका रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ एक्जोथर्मिक रिएक्शन की, एक्जोथर्मिक में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये वाली, और इसकी क्या है, ये वाली, ये फॉरवर्ड लिख दूँ, इसे मैं बैकवर्ड लिख दूँ, तो एक्जोथर्मिक के लिए अपने को पता है ई ए बैकवर्ड है वो ज़्यादा होती है ई ए फॉरवर्ड से, एक्जोथर्मिक के लिए ई ए बैकवर्ड ज़्यादा होती है ई ए फॉरवर्ड से, तो ऑलवेज एक्जोथर्मिक के लिए जो के फॉरवर्ड है वो ज़्यादा होगा के बैकवर्ड से,
एक्सोथर्मिक के लिए आपको सीधा रिलेशन पूछे के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड में, तो के फॉरवर्ड हमेशा ज़्यादा होगा के बैकवर्ड से, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है, तो इसका रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, ये वाली, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी तो ये है ई ए फॉरवर्ड, इसकी क्या है ई ए बैकवर्ड, तो इसमें अपने को पता है ई ए फॉरवर्ड ज़्यादा है ई ए बैकवर्ड से, तो के फॉरवर्ड हमेशा कम होगा के बैकवर्ड से, यानी कि इसका के बैकवर्ड क्या होगा, वो ज़्यादा होगा के फॉरवर्ड से। ठीक है, ये पहली चीज़ है कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसका रेट कॉन्स्टेंट हमेशा क्या होगा, कम होगा, और टेम्परेचर कितना ही ज़्यादा हो उसका रेट कॉन्स्टेंट हमेशा क्या रहेगा, कम ही रहेगा। ये चीज़ और मान लेना कि टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसका रेट कॉन्स्टेंट हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, ये पहला आपको मैंने इफेक्ट बता दिया। दूसरा फीचर देखना, अपने के पास इक्वेशन क्या थी, k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इक्वेशन याद हो जाएगी आपको, यहीं पे एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी, ये भी हमने किया, डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा तो डी एल एन के अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, इसका क्या हो जाएगा माइनस ई अपॉन आर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, वन अपॉन टी का हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, तो डी एल एन के अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा ई अपॉन आर टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन याद रखना आप हमेशा, यहां से देखना ये क्या है, टेम्परेचर चेंज करने पे रेट कॉन्स्टेंट कितना चेंज हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी एल एन के अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिवेशन एनर्जी के। इसका मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी चेंज उतना ही ज़्यादा होगा। तो दूसरा याद रखना, फॉर हायर एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विल बी मोर, हायर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। समझना कैसे, जैसे आपकी एक तो एक्टिवेशन एनर्जी 50 किलो जूल है और एक है 60 किलो जूल, मैं टेम्परेचर 10 केल्विन से 20 केल्विन कर रहा हूँ या 100 केल्विन से 200 केल्विन कर रहा हूँ, 100 केल्विन से 200 केल्विन कर रहा हूँ, टेम्परेचर क्या है सेम बढ़ा रहा हूँ, 100 केल्विन यहाँ बढ़ रहा है 100 केल्विन यहाँ बढ़ रहा है, या एक्टिवेशन एनर्जी 50 है या एनर्जी 60 है, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे के टू, यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा, मोर इंक्रीज मतलब जैसे पहले रेट कॉन्स्टेंट क्या है, यहां पे रेट कॉन्स्टेंट मैंने मान लिया कि 5 है और यहां पे रेट कॉन्स्टेंट क्या मान लिया, देखो एक्टिवेशन एनर्जी इसकी ज्यादा है, लॉजिकली सोचना इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है इसकी क्या है ज्यादा, तो इसका रेट कॉन्स्टेंट कम होगा, 4 मान लिया, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, यदि इसका 10 से बढ़ाता हूँ तो इसका यदि 5 से क्या जा रहा है 5.5 हो रहा है, तो इसका 4 से क्या हो जाएगा 4.6, समझ रहे हो, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा, ये ज़्यादा होगी टेम्परेचर इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा। मान लिया 50 केल्विन है 60 केल्विन है, टेम्परेचर सेम बढ़ा रहा हूँ, तो अपने को ऐसा लगता है कि टेम्परेचर सेम बढ़ रहा है, तो क्या होगा टेम्परेचर मतलब रेट कॉन्स्टेंट भी सेम बढ़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये देखो 50 किलो पे 5 है, ये 60 किलो पे कम होगा, ये मैंने पहले लॉजिक में बता दिया, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा उसका रेट कॉन्स्टेंट कम, पहला नियम अप्लाई। दूसरा, यदि मैं सेम टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो ये 5 से 5.5 जा रहा है, यानी कि 5.5 की इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें कितने का हो रहा है 0.6 का इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये दूसरा नियम है। ठीक है, और इसे लॉजिक आप थ्योरेटिकली भी समझ सकते हो, थ्योरेटिकली कैसे समझ सकते हो देखना, एक तो ये है और एक ये है। अब देखना, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये एक्टिवेशन एनर्जी तो बहुत कम है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, पहले से ही इतने एक्टिवेटेड होंगे,
यहाँ पे मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड बहुत कम है, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो या तो पहले से ही एक्टिवेटेड थे तो कितने और एक्टिवेटेड होंगे, थोड़े बहुत, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे रेट का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो दूसरी लाइन याद रखना कि जहाँ पे रेट एक्टिवेशन रेट ज़्यादा होगी वहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। अब देखना, दोनों की बात करता हूँ मैं, फॉर एक्सोथर्मिक है ना, इसका रेट कांस्टेंट मान ली मैंने, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड, ये के फॉरवर्ड है ना, ये के बैकवर्ड है। तो अपने को पता है, पहली चीज हम बात कर चुके थे कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड क्या है, ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड से। तो यहां से हम बात कर चुके थे के बैकवर्ड क्या है, कम है के फॉरवर्ड से, ये तो ठीक है, यह तो ठीक है। अब मैं यदि टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो अरिनिस क्या कहता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो के फॉरवर्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, के बैकवर्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो के फॉरवर्ड भी इंक्रीज होगा, के बैकवर्ड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कॉन्स्टेंट तो क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन देखना, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो चेंज इन के बैकवर्ड इज ग्रेटर देन चेंज इन के फॉरवर्ड, के बैकवर्ड में के फॉरवर्ड से ज्यादा चेंज होगा। तो मैं बात करूं के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, ये क्या होगा, डिक्रीज। समझ में आया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के फॉरवर्ड भी बढ़ेगा, के बैकवर्ड भी बढ़ेगा, लेकिन के बैकवर्ड में चेंज ज्यादा आएगा क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो के बैकवर्ड में चेंज ज्यादा आएगा। तो के फॉरवर्ड अपन के बैकवर्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया, टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब मैं टेम्परेचर का इफेक्ट बात कर रहा हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, है ना, एंडोथर्मिक के लिए। ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कंफ्यूजन रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अब एंडोथर्मिक की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर पहले ही पढ़ चुके हैं कि ई ए फॉरवर्ड है वो ज्यादा है ई ए बैकवर्ड से, तो के बैकवर्ड ज्यादा होगा के फॉरवर्ड से, ये हमेशा रहेगा। चाहे टेम्परेचर कितना ही बढ़ा लो, ऐसा नहीं है कि के बैकवर्ड के फॉरवर्ड से ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा, के फॉरवर्ड के बैकवर्ड से ज्यादा हो जाएगा, के बैकवर्ड हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा के फॉरवर्ड से, चाहे टेम्परेचर कितना भी कर लो, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमेशा ज्यादा रहेगा क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो टेम्परेचर चाहे कितना भी हाई कर दो आप, 200, 400, 500, 800, 1000, के बैकवर्ड है वो हमेशा के फॉरवर्ड से ज्यादा ही रहेगा। अब यदि मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये तो मान के चलिए रेट कांस्टेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो के फॉरवर्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, के बैकवर्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखना ये फॉरवर्ड क्या है, ये बैकवर्ड से ज्यादा है, तो के फॉरवर्ड में चेंज क्या होगा, ज्यादा होगा के बैकवर्ड से, फॉरवर्ड में ज्यादा होगा बैकवर्ड से। तो मैं बात करूं के फॉरवर्ड बटा के बैकवर्ड क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि इसमें चेंज ज्यादा होगा तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज। ऊपर वाला ज्यादा चेंज हो रहा है, नीचे वाला कम चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज। ये तो किसमें है, एंडो, और एक्जो में क्या था, के फॉरवर्ड भी इंक्रीज हुआ था, के बैकवर्ड भी इंक्रीज हुआ था, लेकिन के फॉरवर्ड बटा के बैकवर्ड क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था एक्जो में, ठीक है। ये समझ में आ गई। दूसरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये दूसरा नियम आ गया। तीसरा नियम देखना, फिर से वही, डी एल एन के अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। तो डी एल एन के अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यदि टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, ज्यादा। एट लो टेम्परेचर
एट लो टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विल बी हाई, विल बी हाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन। एट लो टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विल बी हाई, इसका मतलब समझना। देखना, पहले एक रिएक्शन का टेम्परेचर है 300 केल्विन और मैं क्या कर रहा हूँ, 300 से 400 कर रहा हूँ। दूसरा क्या है, 200 केल्विन और मैं क्या कर रहा हूँ, 200 से 300 कर रहा हूँ। तो बात तो वही है कि मैं 100 केल्विन यहाँ बढ़ा रहा हूँ, 100 केल्विन यहाँ बढ़ा रहा हूँ, और मैं बोलूँ कि रेट कॉन्स्टेंट किसका ज़्यादा बढ़ेगा, तो आप बोलोगे भाई दोनों में 100 केल्विन बढ़ा है तो दोनों का बराबर बढ़ेगा। नहीं, जिसका टेम्परेचर कम है उस पर इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इसका रेट कॉन्स्टेंट यदि मैं K1 मान लूँ और इसका मैं K2 मान लूँ, तो चेंज इन K2 ज़्यादा होगा चेंज इन K1 से। समझ रहे हो, जिसका टेम्परेचर कम होगा उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो K2 में ज़्यादा इंक्रीज होगा K1 से। ये तीन इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जिससे डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट लॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे एक गेट 2007 का क्वेश्चन करते हैं, गेट 2007 का क्वेश्चन करते हैं, गेट 2007 क्वेश्चन क्या था, आपको क्या दे रखा है कि टी टेम्परेचर पे रेट कॉन्स्टेंट दे रखा है K1T एंड K2T, जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, 4 एक्टिवेशन एनर्जी E1 एंड E2, और क्या दे रखा है आपको, E2 इज ग्रेटर देन E1। ठीक है, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर बाई T1 टू T2 देन, पहला K1 T2 अपॉन K1 T1 इज इक्वल टू K2 T2 अपॉन K2 T1। इनमें रिलेशन पूछा था आपको, एक प्रकार से मान लो ऑप्शन चारों लिखने के बजाय आपको दे रखा है कि T1 टेम्परेचर पे एक तो रेस्ट कांस्टेंट K1 है, एक है K2 जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी E1 और E2 है, और आपको दे रखा है E2 ऑलवेज हायर है, E2 ज़्यादा है E1 से। यदि हम टेम्परेचर T1 से T2 कर दें तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो सबसे पहले देखना, आपको E2 इज ग्रेटर देन E1 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, K2 इज लेस देन K1। पहला रिलेशन तो आपके पास ही आ गया कि K2 K1 से कम है। अब आपके पास देखो दो चीज़ लिख लो आप, K1 T1, K2 T2, K1 T2 और K2 T1 और K2 T2, आपको इनका तो रिलेशन पूछा है। तो देखना, जब ये T1 से T2 जा रहा है, ये T1 से T2 जा रहा है, तो E2 की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि मैं T1 से T2 जा रहा हूँ तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ये तो सही है, K1 भी इंक्रीज होगा, K2 भी इंक्रीज होगा, ये तो आपको पता है कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो K1 भी बढ़ रहा है, K2 भी बढ़ रहा है, लेकिन कौन सा ज़्यादा बढ़ेगा, E2 ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बढ़ेगा, ये ज़्यादा बढ़ेगा तो K2 वाला ज़्यादा बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा बढ़ रहा है इससे, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि कैसे रिलेशन फाइंड आउट करनी है, K1 K2 है, E2 ज़्यादा मतलब ये कम है, दोनों बढ़ रहे हैं, कौन सा ज़्यादा बढ़ रहा है, ये वाला ज़्यादा बढ़ रहा है, ये ऊपर है तो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये ग्रेटर देन आ जाएगा। तो ये इसके तीन फीचर्स थे। अब देखना नेक्स्ट, गार्डियन इक्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गार्डनर इक्वेशन। अपनी आरएनएस इक्वेशन क्या थी,
के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां से डी एल एन के अपॉन डी टी किसके बराबर आया था, ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर के, यही आया था। आरएनए क्या कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, पर बट इन एक्चुअल क्या होता है, आरएनए से जो एक्टिवेशन एनर्जी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है। तो गार्डियन ने एक नई इक्वेशन दी, उसने क्या दिया, के इज इक्वल टू ए टी की पावर एम ई की पावर माइनस ई नोट अपॉन आर टी। उसने क्या बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी वो ई नोट है, कुछ एक एनर्जी है जिसे बैरियर चाहिए, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये गार्डियन इक्वेशन है, के इक्वल टू ए टी की पावर एम ई की पावर माइनस ई नोट अपॉन आर टी। ये आरएनए इक्वेशन थी जिसने क्या बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये तो फिक्स होती है, जबकि उसने क्या बोला कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है एक्टिवेशन एनर्जी, और इक्वेशन दी के इक्वल टू ए टी की पावर एम ई माइनस अपॉन आर टी। देखना एल एन के करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन ए प्लस एम एल एन टी, क्योंकि एल एन टी की पावर एम पहले आ जाएगा, माइनस ई नोट अपॉन आर टी। डी एल एन के अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका तो जीरो, इसका क्या हो जाएगा एम एल एन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एम अपॉन टी प्लस ई नोट अपॉन आर टी स्क्वायर, यही होगा ना। देखना एल एन ए का जीरो कॉन्स्टेंट है, एम एल एन टी का वन अपॉन टी माइनस ई नोट अपॉन आर, वन अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन टी का माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो ये हो जाएगा ई नोट अपॉन आर टी स्क्वायर। तो डी एल एन के अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, आर टी स्क्वायर, यदि मैं एल सी एम ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, एम आर टी प्लस ई नोट। ये भी डी एल एन के अपॉन डी टी है, ये भी डी एल एन के अपॉन डी टी, यहाँ से क्या आ जाएगा, एम आर टी प्लस ई नोट अपॉन आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ई ए क्या आ जाएगा, ई नोट प्लस एम आर टी। एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो कैसे करती है, ई ए इज इक्वल टू ई नोट प्लस एम आर टी। समझ में आएगा, यदि आपको ऐसी इक्वेशन दी और एक्टिवेशन एनर्जी पूछे तो कैसे निकालोगे, ई ए इज इक्वल टू ई नोट प्लस एम आर टी। देखना जून 2015 का क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया था के इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर ई की पावर माइनस ई नोट अपॉन आर टी, जून 2015 में, और आपसे पूछा था एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, तो यहाँ पे टी की पावर एम की जगह टी स्क्वायर दे रखा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्ट निकाल सकते हो, ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट प्लस टू आर टी, ई ए इज इक्वल टू ई नोट, एम की जगह क्या हो जाएगा, टू आर टी, ये आपका आंसर आ जाएगा। चार नंबर में पूछा था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दी थी, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखना यदि आपको ये याद नहीं रहे तो आप कैसे करोगे, ये तो समझ में आ गया ना कैसे है, नोट कर लेना, इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस इक्वेशन को करके दिखाता हूँ। सिर्फ इस बार आपको यहाँ पे स्क्वायर दे दी थी और आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछी थी, तो यहाँ पे देखना एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस टू आर टी माइनस ई नोट अपॉन आर टी, तो डी एल एन के अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू अपॉन टी ई नोट अपॉन आर टी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, टू आर टी, टू आर टी, टू आर टी, तो आप क्या हो जाएगा, ई ए इज इक्वल टू ई नोट प्लस टू आर टी। ये इक्वेशन कराती है गार्डनर इक्वेशन, जो एक्टिवेशन एनर्जी पे टेम्परेचर का इफेक्ट बताती है। ठीक है, लास्ट देखिए, इसमें यदि आपको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कई सारे कॉन्स्टेंट दे रखे हों और फिर पूछे कि क्या होगा, पहले इससे पहले एक इफेक्ट देखना, रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टेम्परेचर फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ और टी में रिलेशन पूछे तो क्या होगा, देखना अपने को पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, 0.693 अपॉन के, या के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ये होता है। अब आरएनए इक्वेशन क्या कहती है, टेम्परेचर में पूछा तो टेम्परेचर में तो इफेक्ट एक ही चीज बताती है, वो है आरएनए इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, के की जगह ये वैल्यू रख दूंगा 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहां से टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखना
टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन ए, टी हाफ इधर जाएगा, ये इधर आएगा अपॉन ए, ये आ जाएगा e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, लिख सकता हूँ, या टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन ए e की पावर ई ए अपॉन आर टी। दोनों तरफ क्या ले लूँ, लॉग ले लूँ, तो एल एन टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन 0.693 अपॉन ए प्लस ई ए अपॉन आर टी, यही होगा ना, एल एन टी हाफ इज इक्वल टू एल एन 0.693 अपॉन टी एफ। तो एल एन टी हाफ वर्सेज 1/t के बीच में ग्राफ खींचूंगा तो ग्राफ कैसा आएगा, एल एन टी हाफ वर्सेज 1/t के बीच में ग्राफ खींचूंगा तो ग्राफ कैसा आएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एम सी, पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन, एल एन टी हाफ और 1/t, स्लोप क्या आ जाएगा, ई ए अपॉन आर। तो यहां से रिलेशन देखें तो क्या आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी आर भी कांस्टेंट है, तो टी के बीच में क्या आ जाएगा, एल एन टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ये आपसे पूछा था गेट 2005 में कि टी हाफ और 1/t में रिलेशन, टेम्परेचर और टी हाफ में रिलेशन क्या है, एल एन टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, इसका स्लोप आएगा ई ए अपॉन आर। और यहाँ से यदि मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो एल एन टी हाफ अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, ये जीरो, ये आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक है, ये टी हाफ और टेम्परेचर में रिलेशन पूछे तो टी हाफ इज इक्वल टू एल एन 0.693 अपॉन ए, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा ई अपॉन आर टी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एल एन टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, ये रिलेशन आता है। इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन स्लोप आएगा ई अपॉन आर। तो आपको एल एन टी हाफ और 1/t के बीच में स्लोप देके एक्टिवेशन एनर्जी पूछे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो कन्फ्यूज मत हो जाना क्योंकि यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखना लास्ट है आपका के ऑब्जर्व, देखना ये किसके लिए है, आपको जैसे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है, ए प्लस बी चेंज हो रहा है सी में और सी चेंज हो रहा है डी में, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसके लिए ओवरऑल के आपको दे रखा है, के ऑब्जर्व इज इक्वल टू जैसे के थ्री के वन अपॉन के टू की पावर 1/2, ये आपको के ऑब्जर्व दे दिया कोई कि किसी रिएक्शन के लिए ओवरऑल के ऑब्जर्व आपको यह है के थ्री, जैसे तीन में मान लेता हूँ मैं कोई इक्वेशन, जैसे मान लिया ए से बी में हो रही है के वन, बी से सी में हो रही है के टू और सी से डी में हो रही है के थ्री, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो तीन स्टेप में हो रही है और उसके लिए ओवरऑल के आपको दे रखा है ये, और आपको पूछे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी आप कैसे बताओगे। तो देखो जब आपको ऐसा दे तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे बताओगे, तो पहले तो अपन मेथड देखते हैं कैसे करोगे, इसका क्या करोगे, एल एन के ऑब्जर्व करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन के थ्री प्लस 1/2 एल एन के वन अपॉन के टू, यही होगा ना, एल एन होगा तो एल एन के ऑब्जर्व इज इक्वल टू एल एन के थ्री, ये मल्टीपल वाला प्लस 1/2 ये, तो एल एन के ऑब्जर्व इज इक्वल टू एल एन के थ्री प्लस 1/2 एल एन के वन माइनस एल एन 1/2 एल एन के टू, यही आएगा, और एल एन के ऑब्जर्व अपॉन डेल टी कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डेल एल एन के थ्री अपॉन डेल टी प्लस 1/2 डेल एल एन के वन अपॉन डेल टी माइनस 1/2 डेल एल एन के टू अपॉन डेल टी, हो जाएगा दोनों तरफ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो डेल एल एन के अपॉन डेल टी, डेल एल एन के थ्री अपॉन डेल टी 1/2 डेल एल एन के अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा, और डेल एल एन के अपॉन डेल टी क्या होता है, ई अपॉन आर टी स्क्वायर, ई अपॉन आर टी स्क्वायर, यही होता है ना, तो ये हो जाएगा ई अपॉन आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए थ्री अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस 1/2 ई ए 1 अपॉन आर टी स्क्वायर,
माइनस वन बाई टू ई ए टू अपॉन आर टी स्क्वायर, आर टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे तो ई ए कितना आ जाएगा, ई ए थ्री प्लस वन बाई टू ई ए वन माइनस वन बाई टू ई ए टू। तो आपको एक्टिव एनर्जी फाइंड आउट करनी तो कैसे करोगे, इसकी करनी हो तो पहले आप लॉग ले लो, फिर डी एल एल के अपॉन डी टी कर दो, ई अपॉन आर टी स्क्वायर के इक्वल रख दो, फिर निकाल लो। ये आपका मेथड है। डायरेक्ट आपको करना हो तो लॉग वाला मेथड लगाओ, के थ्री सीधा है तो ई ए थ्री पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी वन बाई टू, के वन है तो ई वन, के टू अपॉन वाला माइनस में चला जाएगा मल्टीप्लाई, देखो मल्टीपल वाला क्या हो जाएगा एड, और डिवाइड वाला क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। दो चीजें, जो डिवाइड में है वो सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीपल में वो ऐड होगा, और पावर क्या होगी मल्टीपल। तीन चीजें याद रखना, पावर देखो e3 थ्री प्लस वन बाई टू ई वन माइनस वन बाई टू, जैसे आपको कोई और दे, आपको दे दे के टू अपॉन के वन के इक्वल टू, और एक्टिव एनर्जी पूछे तो क्या होगा e2 अपॉन वाला किस में चला जाएगा माइनस में e1, इसकी क्या हो जाएगी e2 माइनस e1। जैसे आपको दे दे k1 k2 अपॉन k3 की पावर एक बट्टा दो या तीन बट्टा दो इंटू k4, इसकी ओवरऑल पूछे तो कैसे निकालोगे, सीधा सा तरीका है, पावर को क्या कर दो मल्टीपल, K1 की पावर है तीन बट्टा दो तो तीन बट्टा दो ई वन, मल्टीपल वाला जोड़ में तीन बट्टा दो ई टू, के थ्री डिवाइड में है तो माइनस पावर तीन बट्टा दो के थ्री, ये प्लस ई फोर। एक्टिवेशन कैसे निकल, पावर वाला मल्टीपल में आ जाएगा, इन तीन के पावर है तो इन तीन के मल्टीपल में कर दो, ये तीन बटा दो तीन बटा दो तीन बटा दो, ये दोनों मल्टीपल में है दोनों ऐड हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट में है माइनस में हो जाएगा, ये मल्टीपल में है ऐड हो जाएगा, ये निकालने का तरीका है। लेकिन एक क्वेश्चन और करता हूँ इसमें, जैसे के वन के टू अपॉन टू के थ्री दे दिया, इसकी पावर आपको दे दिया वन बाई टू और के फोर, तो इस बार क्या करोगे देखना, ये आपका के ऑब्जर्व आ जाएगा, तो पहले मेथड से करते हैं फिर आपको समझ में आएगा क्या करना है। एल एन के ऑब्जर्व करोगे तो लॉग लेगे तो पूरा का लॉग लोगे तो वन बाई टू एल एन के वन, वन बाई टू मल्टीप्लाई में आएगा एल एन के वन, ये जुड़ जाएगा प्लस वन बाई टू एल एन के टू माइनस ए वन बाई टू एल एन टू, इसका देखना एल एन के वन मल्टीपल वाला एल एन के टू डिवाइड वाला माइनस वन बाई टू एल एन के टू माइनस वन बाई टू एल एन के थ्री प्लस एल एन के फोर। अब वही होगा डेल एल एन के ऑब्जर्व अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई टू डेल एल एन के वन अपॉन डेल टी प्लस वन बाई टू डेल एल एन के टू अपॉन डेल टी। ये इस बार देखना क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, थ्री अपॉन डेल टी प्लस डेल एल एन के फोर अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू ई ए वन या ई वन अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस वन बाई टू ई टू अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस वन बाई टू e3 अपॉन rt स्क्वायर प्लस e4 अपॉन rt स्क्वायर, rt स्क्वायर से सारे कैंसिल, तो ea क्या आ जाएगा 1 बाई टू ई वन प्लस वन बाई टू ई टू माइनस वन बाई टू ई थ्री प्लस ई फोर। मेथड से लिखते तो कैसे लिखते, अपन ट्रिक से पावर क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई में 1 बाई टू, k1 की पावर 1 बाई टू है ई वन, मल्टीपल में है तो प्लस वन बाई टू ई टू, डिवाइड में है के थ्री तो माइनस वन बाई थ्री के थ्री वन बाई टू के थ्री, मल्टीपल में है के फोर तो प्लस ई फोर, यही आया।
जब ये है इसका कोई यूज नहीं है। तो याद रखना पावर वाला मल्टीपल में आएगा, पावर वाला मल्टीपल में आएगा। तो जब आपको इस तरीके से निकालना हो तो चार चीजें याद रखना। पहली चीज, पावर क्या रहेगी मल्टीपल में, ठीक है। जो मल्टीपल है वो क्या होंगे, ऐड। जो डिवाइड है वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट, है ना, घटाव हो जाएंगे। और जो कांस्टेंट है वो रिमूव, कांस्टेंट है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव। जैसे आपको एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लेते हैं अपन, कुछ भी सोच के, 2k1 इंटू के 2 की पावर 1/2 अपॉन 3/2 k3 की पावर 3/2 इंटू k4 की पावर 2/3 इंटू 5k5। इसके लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछे कि ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा चलना है। याद रखना पावर क्या आएगी मल्टीपल में, मल्टीपल वाला ऐड, डिवाइड वाला सब्ट्रैक्ट, और कांस्टेंट क्या होगा, रिमूव। तो इस तरीके से मैं ओवरऑल पूछे तो जो कांस्टेंट है ना उन्हें पहले रिमूव कर दो, है ना। देखो इसको कांस्टेंट रिमूव करके क्या लिख दो, k1 k2 की पावर 1/2, ये कांस्टेंट है रिमूव कर दो, k3 की पावर 3/2, k4 की पावर 2/3 और कांस्टेंट रिमूव कर दो k5। इसे ये लिख लो, अब आप इजीली कर सकते हो। पावर मल्टीप्लाई में 1/2, k1 की पावर 1/2 है इवन, k2 किस में, मल्टीप्लाई में, प्लस 1/2 e2, k3 किस में, डिवाइड में, साइन किसका आएगा, माइनस का, पावर मल्टीप्लाई में -3/2 e3, k4 किस में, मल्टीप्लाई में, तो +2/3 e4, k5 किस में, मल्टीप्लाई में, +e5। इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। ऐसे आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। ये अपना है RNS इक्वेशन और टेम्परेचर का इफेक्ट किसी भी रिएक्शन में, उसमें डिटेल स्टडी। थैंक यू।